मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावी दरिया के अंदर, जहाँ से रेत निकाली जाती है और कस्सू वगैरह निकाला जाता है, ट्रालियों पे लोड होता है। और मैंने अभी एक बंदे से पूछा है, ट्राली अब मैं खुद लेके आऊँ और क्या खर्चा है इसका? और ये बता रहे हैं एक पर्ची लेनी पड़ती है, सरकारी पर्ची, जिस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है 300 रुपये की वो पर्ची है, और पर्ची का 1500 रुपया इनसे लिया जाता है। और क्योंकि सरकारी काम है, कोई भी आप दुनिया की सरकारी चीज़ उठा के पाकिस्तान में देख लें और वो जो रेट लिखा होगा उस रेट पे आपको नहीं मिलेगी कोई भी चीज़ है। जो प्राइवेट कंपनियों की चीज़ उस रेट पे नहीं मिलती, तो ये सरकारी ट्राली कहाँ से आपको मिलेगी? ये तकरीबन टोटल खर्चा आया था ट्राली का 1500 रुपये की पर्ची लेनी पड़ती है, और कोई 500 रुपया क्रेन वाले को देना पड़ता है जो इनको लोड करके देता है। वैसे ये खुद लोड करें तो काफ़ी टाइम लगता है। और 2000 रुपया, कोई 100 रुपया इनका टैक्स है ये रास्ता बनाने वालों का। इस तरह कुल मिला के टैक्स वगैरह ये 2300-2400 रुपये की एक ट्राली राउंड अबाउट पड़ जाती है। और मैं आपको ये बहुत दिलचस्प ये बात बताता जाऊँ कि आप ख़ुद भी आ सकते हैं यहाँ पर ट्राली लेके, या कोई चीज़ लेके आ सकते हैं, और ख़ुद भी आप रेत यहाँ से लेके जा सकते हैं। पर्ची आपने लेनी है, वो प्रोसीजर मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है, वहाँ पर पर्चियाँ भी दिखाई हैं मैंने पहले, इससे पहली वाली वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। और ये मैं तो वैसे काफ़ी यहाँ पर आके खुश हुआ हूँ कि क्या ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं वहाँ पर सहरा में घूम रहा हूँ। ये देखें रेत है, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पिक्चरें वगैरह आ सकती हैं। फ़िलहाल तो मैं अकेला ही आया हूँ और मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप देखें ये पीछे क्रेनें वगैरह लगी हुई हैं, साथ एक साइड पर पानी चल रहा है, वो सामने पानी एक साइड पर हो गया। जब काफ़ी पीछे से इंडिया की तरफ से पानी आता है, ये फिर सारी जितनी भी ये रोड है ये क्लियर हो जाती है, इसको फिर यहाँ से पानी गुजारा जाता है, और जितनी रेत है ये एक लेवल पे आ जाती है। फिर ये सिलसिला, ये कुदरती मामलात हैं और अल्लाह पाक का निज़ाम है कि ये चल रहा है। यहाँ से पूरे लाहौर के लिए रेत निकलती है, जहाँ भी आपने जाना हो वहाँ से, यहाँ से ही रेत निकलती है, और पूरे शहर की और उसके रोड बन रहे हैं पूरे लाहौर में। काफ़ी बड़े बड़े ट्रक रेत निकाल रहे हैं और काम जारी है बहुत तेज़ी से। और ये अंकल देख रहे हैं आप, ये रेत की बन, ये कस्सू होता है ना, इसकी ट्राली, ये इसमें 2 सैकड़े माल होता है। पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है 150 का 1 सैकड़ा, और इसमें 2 सैकड़े माल है। 300 रुपया टोटल खर्चा है, जो इनसे 1500 रुपया लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, यहाँ पर मीडिया कभी नहीं आएगा, ये माफिया बहुत बड़ा, और इनसे, इनको नहीं पता, इनको यही पता है कि मैं अपनी सेल्फियाँ वगैरह ले रहा हूँ, इनको बाद में पता चलेगा जब ये मेरे चैनल पे वीडियो आएगी। बहुत शुक्रिया, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद वारिस अली मेरा नाम है, मेरा नाम चैनल का नाम है वारिस अली सोशल मीडिया टीवी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।